तो स्टूडेंट्स, आपने क्या कहते हैं लास्ट वीडियो में, आपने क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीट कर लिए थे, तो देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। रिक्रिएशन इज एन एक्टिविटी विच गिव्स अस जॉय एंड प्लेजर। ओके, रीडिंग इम्प्रूव्स आवर वोकैबुलरी एज वी गेट टू न्यू वर्ड्स। फैमिली फंक्शंस लाइक बर्थडे एंड वेडिंग्स रिफ्रेश अस। Recreation is an activity we do only for enjoyment. We celebrate festival like Holi and Diwali with our family and friends. Sixth way hai, fairs are held at festival like Ram Navami and Dashera. So students, isko ye aapka complete ho gaya hai, isko aapko apni notebook mein karna hai. Ab hum start karenge C. Write the names of the following activities of रिक्रिएशन ऑन द डॉटेड लाइन्स। देखिए स्टूडेंट, आपको पिक्चर दिया गया है, इसको देख कर बताना है कि क्या है, ओके, कौन सी एक्टिविटी है। तो स्टूडेंट्स, आप ये सभी देख पा रहे हैं, ये आपका स्टूडेंट्स सर्कस है। ओके, सी आई आर सी यू एस, सर्कस। ओके, एंड ये स्टूडेंट्स, ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि ये पिक्चर स्टूडेंट्स आपका जू का है। ओके, एंड ये है जो स्टूडेंट्स एक पपेट शो है, तो अ पपेट शो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, डी पार्ट है। नेम द टू टाइप्स ऑफ गेम्स दैट आर वे ऑफ रिक्रिएशन। स्टूडेंट्स, आपको कोई भी टू टाइप के गेम बताने हैं जिससे कि आपको रिक्रिएशन है, ठीक है, जो कि हमारे रिक्रिएशन का वे है। ओके, वट कीप अस फ्रेश एंड एक्टिव, हमें क्या जो है फ्रेश एंड एक्टिव रखता है उसके बारे में स्टूडेंट्स हमें बताना है। ई, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। देखिए, नेम थ्री इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। स्टूडेंट्स, आपको इसमें थ्री थ्री जो है इंडोर गेम्स एंड थ्री आउटडोर गेम्स के बारे में बताना है। वट डू द क्लाउन ट्रेपेज़ी आर्टिस्ट टू द सर्कस। जो क्लाउन है और ट्रेपेज़ी जो आर्टिस्ट है, वो क्या करते हैं सर्कस में। Recreation is needed by everyone. Would you like to donate your favorite game, Ludo, chess, carrom, etc. to an orphanage? Students, क्या गया है? Recreation जो है सभी के लिए needed है, जरूरी है। आप सभी को सब पता है कि आप जो भी अपना favorite game है, like Ludo, chess, carrom, ये आप किसी भी orphanage में, अनाथालय में donate करना चाहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको पूछा गया है, फिर लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, व्हाई इज रीडिंग अ गुड हैबिट। जो रीडिंग करना एक गुड हैबिट क्यों है। व्हाई डू वी लाइक टू अटेंड फैमिली फंक्शंस। हमें जो क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, फैमिली फंक्शन को अटेंड करना क्यों पसंद है, हम क्यों पसंद करते हैं उसे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप सभी को इसका आंसर करना है, क्वेश्चन आंसर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आपको इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है।